नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फोर इज द व्हील ऑफ अ कार आर डायमीटर और डायमीटर 80 सेंटीमीटर. कार का जो डायमीटर है व्हील का कार के भी का डायमीटर है 80 सेंटीमीटर. हाउ मेनी कंप्लीट सॉल्यूशन दिस ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर. यहां पे आपको बताया गया है नंबर ऑफ जो रिवोल्यूशन है बाय द व्हील वो आपको फाइंड आउट करना है. अगर कार जो है 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है 10 मिनट्स के अंदर आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड आउट करना है. अब देखो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में जब बेसिक आपको करवाया है तो वहां पे मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था. नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जब हम निकालेंगे तो हम किस फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे? तो हम पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. डिस्टेंस मूव इन या डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट अपॉन सर्कमफेरेंस. तो इसके लिए मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे गिवन है 66 किलोमीटर पर आवर. बट यहाँ पे क्वेश्चन जो है आप मीटर में कर देंगे कन्वर्ट, तो हम उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, जो डिस्टेंस आपको देगी 66 किलोमीटर पर आवर को हम 66 मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे. तो ये तो बोल हमारी डिस्टेंस. ठीक है, 10 मिनट का डिस्टेंस तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे. अपॉन सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस इस तरह से करेंगे. यहाँ से सर्कमफेरेंस हम निकालेंगे, 2πr होता है सर्कमफेरेंस, 2πr की वैल्यू वहां से निकल जाएगी. रेडियस ये डायमीटर था. ठीक है, यहाँ पे डायमीटर ऑफ वी इज 80 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को कन्वर्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो 80/100 मीटर हो गया. कैंसिल आउट करके हम आगे कर सकते हैं. एंड रेडियस, अब ये डायमीटर 80 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा. 80/2 इज 40 सेंटीमीटर. इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 40/100 मीटर. अब सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है. आपको रोटेशन निकालने हैं, नंबर ऑफ मूव निकालने हैं, तो डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस करना है. तो इट मीन्स आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए और आपको क्या पता होना चाहिए? सर्कमफेरेंस. तो पहले हम सर्कमफेरेंस यहाँ पे निकाल लेते हैं. सर्कमफेरेंस ऑफ ईवी इज मल्टीप्लाई बाय. सो यहाँ पे सर्कमफेरेंस आपको मिला 88/35 मीटर क्लियर. और आपने डिस्टेंस को जो आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस का गिवन था किलोमीटर पर आवर भी गिवन था, आपने कन्वर्ट कर लिया उसको मीटर पर मिनट में. अब डिस्टेंस कवर इन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के अंदर जो डिस्टेंस कवर हुई है उसको भी हमने क्या किया, 10 मिनट्स के अंदर जो कवर हुई है वो हमें बतानी थी. तो ये मीटर पर मिनट में हमने कन्वर्ट किया उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ अब आपके पास क्या पूछा है? नंबर ऑफ रोटेशंस पूछा है. तो नंबर ऑफ रोटेशंस बोल दीजिए या मूव बोल दीजिए. रोटेशंस इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस. यही बोला हुआ था, डिस्टेंस कवर्ड इन अ मिनट एंड अपॉन सर्कमफेरेंस. यहां से जब हम इसकी वैल्यू को रखेंगे, नाउ नंबर ऑफ रोटेशंस हमने फाइंड आउट किया. नंबर ऑफ रोटेशंस आपको फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस है ना
अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल एक फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर कि जब भी आपको नंबर ऑफ रोटेशंस या नंबर ऑफ मूव निकालने हो या इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप क्या करें, डिस्टेंस कवर्ड इन अ मिनट या जो भी वहाँ पे गिवन है 10 मिनट्स में या 60 मिनट्स में गिवन है वो करें, वो फाइंड आउट करें एंड अपॉन सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस वहाँ पे निकालें। बस इसी फॉर्म में वेरी पुट करनी होती है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपका आंसर इजीली मिल जाएगा। नाउ आई हैव टेक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, आपको ताकि पता पड़ सके इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। जैसे कि वहाँ पर एक क्वेश्चन अभी अभी लास्ट वीडियो में किया है कि डिस्टेंस अगर दिया हुआ हो, सर्कमफेरेंस गिवन हो तो नंबर ऑफ रोटेशंस कैसे क्या रखना है, या फिर रूट वर्क कैसे क्या रखना है, तो इसी में बेसिक क्वेश्चन मैंने दिया है। क्वेश्चन इज एन एथलीट रन्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 49 मीटर एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 380 मीटर along its boundary, how many rounds has he taken to cover the distance of 5 values and 22 by 7? यहाँ पे जो question है तो ये है, एक circular round है, एक circular मैदान है, playground है, तो यहाँ पे एक athlete जो है वो run कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये athlete जो है इस तरह से run कर रहा है, तो उस circular जो path है इसकी आपको radius given कर दी गई है which is 49 और जो सर्कुलर जो तो एथलीट जो वहां से कितना डिस्टेंस को दौड़ा है, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, वो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 3080 मीटर, ये देखें। अब आपसे पूछा है कि आप बताइए हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मूव बाय दिस सिचुएशन, क्लियर? तो अगेन आपको पता है नंबर ऑफ मूव फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ मूव या फिर रिवॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस करते हैं। ये हमको हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट, डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट अपॉन सर्कमफेरेंस, ये हो गया सर्कमफेरेंस। तो डिस्टेंस कवर बाय एथलीट, अपने को कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर, कहीं कोई सब कुछ एक ही यूनिट के अंदर कन्वर्ट ऑलरेडी गिवन है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में, कोई एक सेंटीमीटर में होगा तो हम उसको कन्वर्ट कर रहे होते। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर बाय एथलीट इज 3080 अपॉन सर्कमफेरेंस, जरूर फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे सर्कमफेरेंस हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो सर्कमफेरेंस अगर हम निकालेंगे यहाँ पर सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है इट इज 2π r, तो 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 22/7 अपॉन ये जो r दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाय r इज 49, 7 का 49 हो गया, ये हो गया यहाँ पर 44 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 4 28 कैरी ये 2 हो गए हैं यहाँ पर, 7 4 अगेन 28 व्हिच इज 308 मीटर, यहाँ पे ये सर्कमफेरेंस आ गया, तो सर्कमफेरेंस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 308। अब आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास निकल रह जाएगा 1 और ये 0 रह जाएगा, तो नंबर ऑफ मूव यहाँ पे कितने हो गए, 10 चक्कर उसने काटे होंगे, 10 मूव उसने लिए होंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो अभी इससे पहले हमने किया है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको आपको समझाने के लिए मैंने